कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के भाई रानू अग्निहोत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर सहयोगितागंज में रहने वाले व्यापारी भरत सिंघल के साथ मारपीट की है। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना का मुख्य आरोपी रानू अग्निहोत्री अभी फरार है। व्यापारी भरत सिंघल और रानू अग्निहोत्री में पैसे के लेन देन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर रानू अपने समर्थकों के साथ मिलकर भरत सिंघल के घर पहुंचा और भरत सिंघल को गाड़ी में बिठा कर ले गया और उसके साथ मारपीट की। मामले को लेकर कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री SSP से मुलाकात करने पहुंचे और पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने का आवेदन दिया। कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री का कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले में व्यापारी भरत सिंघल की ओर से कार्रवाई की है और उनके भाई को गलत फंसाया जा रहा है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रानू अग्निहोत्री के साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं घटना होने के बाद से ही रानू अग्निहोत्री फरार है। भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि भैया किसी के भी परिवार का कोई भी अंग हो, कोई भी साथी हो, आज वो मेरे परिवार का भाई है, लेकिन हर चीज में कांग्रेस नेता, कांग्रेस का गोलू अग्निहोत्री, अगर रानू अग्निहोत्री ने कोई अपराध किया तो आप सीधे सीधे रानू अग्निहोत्री लिखिए। उसको इस तरह से प्रेजेंट करना और इस तरह से कि शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, तो मेरे परिवार में किसी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट का संपूर्ण भारतवर्ष में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मेरे छोटे वाले भाई रानू अग्निहोत्री के खिलाफ अगर एकाध कोई मुकदमा कहीं हो तो हो, वो भी नहीं है। और बाकी आप पूरा इतिहास मेरे परिवार का उठा के देख लीजिए, हम लोग ना आपराधिक प्रवृत्ति के, ना शहर में कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई सामान्य मारपीट हुई है, क्या हुई है, अभी तक रानू घर पर नहीं है। वो डर के मारे कि चलो ठीक है भैया नाराज होंगे इसलिए और गई है, तो वही मैं सामान्य रूप से बात करने आया था कि उस प्रकरण की उपयुक्त जांच की जाए कि गंभीर धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज किया है तो एक बार दिखा लें, अगर उस लायक है कि वाकई उसमें वो दंड बनता है, उसकी वो धारा बनती है, पुलिस जो कार्रवाई करे।